चैप्टर सॉल्यूशन क्लास ट्वेल्थ और क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m बाई 20। हमको पाई निकालना है। m बाई 20 बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन हो गया 1/20 और ये देखिए टेम्परेचर है 27 डिग्री सी प्लस 273 किया 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया और आर गिवेन है 2 और अल्फा 80% डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, चाहे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहिए चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहिए बात एक ही है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 80% है जिसका मतलब होता है 80/100। आर की बात करें, आर है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये क्वेश्चन, ये वैल्यू गिवेन है तो यही नई वैल्यू पुट कर देना है। तो अगर इसको यूज़ करोगे तो ये देखिए MKS है, ये SI सिस्टम है, ये जूल में दिया हुआ है। तो क्या होगा कि जो आपका प्रेशर होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, फिर वॉल्यूम आपका होना चाहिए मीटर क्यूब में। आप झमेले में पड़ जाओगे। आप इसको अपनी तरफ से 083 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, हम लोग ये वैल्यू इसमें लगाएंगे और ये वैल्यू इसलिए लगाएंगे ताकि जो हमारा आंसर है वो आ जाए ATM में, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में आंसर हमको ATM में निकालने होते हैं। तो देखिए ये हमारे सामने है, अब हम इसका सल्यूशन लेते हैं और फार्मूला लगाते हैं पाई वी। तो पाई वी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। और देखिए आई की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी और वो इसमें यहाँ रखनी पड़ेगी। इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और हमको पाई निकालना है। आई यही मालूम है, सी मालूम है, आर मालूम है, टी मालूम है, तो आई निकालते हैं हम। जब आई हम निकालेंगे तो ये हमारा है बेरियम क्लोराइड, इसको आयंस में ब्रेक करेंगे तो देखिए ये बनेगा और एक आयन इसका, दो आयन इसके, तीन आयन इसके हो गए, टोटल आयन हो गए 3। 3 आयन्स आर हियर। तो इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है, बड़ा ही क्लियर ये है कि ये वैल्यू हो गई हमारी n की। अब देखिए डिसोसिएशन के लिए i इक्वल टू 1-अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, और या फिर इसको i इक्वल टू 1+n-1 × अल्फ़ा, ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सारी वैल्यू सर्च करके मैं लिख रहा हूँ, तरीका पूरा बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में उसको कैसे करना है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। अब आप देखिएगा आई इक्वल टू 1+, अब n की वैल्यू हो गई 3, तो 3-1 × अल्फ़ा आ गया 1+2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, ये है 0.8, तो ये हो गया 0.8, ये हो गया 1+1.6, ये वैल्यू आ गई 2.6। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
तो चलिए अब क्या होगा हमारा, पाई इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हमने रख दी 2.6 इंटू सी, सी की वैल्यू है 1/20, आर 0.082 और टी 300 कैलोरी। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3.2 कर देता हूँ एटीएम, और इसको एग्ज़ाम में लिखो ऐसे घेर के आंसर, ताकि टीचर देखे। टीचर कैसे क्वेश्चन को देखते हैं, आपको देखा पहले गिवन, ये आपने वैल्यू दी, उसको नहीं देखेंगे। अब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सल्यूशन, आपने ये पहली बात पूरा फार्मूला लिखिए। पूरा फार्मूला लिखने का फ़ायदा ये होता है, अगर कभी आपका मान लो गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, लास्ट तक आंसर सही नहीं आया, कुछ आपने गड़बड़ कर दी, वैल्यू वैल्यू इधर उधर कर दी, तो अगर आपने फार्मूला सही लिखा है तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं स्ट्रिप मार्किंग की वजह से। तो दिस इज़ वाई फर्स्ट राइट प्रॉपर फार्मूला, और फिर उसके बाद हमने सारी इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है वो सारी की सारी, देखिए मैंने आपको सारी की सारी वैल्यू दिखा दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सरल नहीं है, कठिन है। इधर बोर्ड एग्ज़ाम CBSE ISC दोनों बोर्ड में मैं देख रहा हूँ कि फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर्स आई एम कंटिन्यूसली वॉचिंग दैट देर आर सो मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद वेंट हॉफ फैक्टर, एंड दैट्स वाई इन टूडेज वीडियो लेक्चर यू विल सी देर आर सो मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद वेंट हॉफ फैक्टर। देखिए मैं क्वेश्चन लिखूँगा आपके सामने नहीं, तो मैं लिख लूँगा फिर मैं आपको वो क्वेश्चन सामने रखूँगा, लिखने में टाइम क्यों बर्बाद करूँ। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, ध्यान से देखते हैं पढ़ते हैं। फिनॉल C6H5OH इसका फार्मूला गिवन है, और फार्मूला नहीं भी गिवन होगा, आप फिनॉल आपके कोर्स में है, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ये एसोसिएट करता है इन बेंजीन, मतलब कि जुड़ जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म अ डाइमर, एक डाइमर बनाता है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने केजी ऑफ फिनॉल, ये फिनॉल की अमाउंट दी है इन 1 kg ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन हो गया सॉल्वेंट, फिनॉल हो गया सॉल्यूट। हैज़ इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया डेल्टा TF, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल डाइमराइज्ड, कितना हिस्सा उसका डाइमराइज्ड हुआ, तो मतलब आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की। और इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर का यूज़ है वहाँ पर हमको क्या करना होता है, हमको पहले आई के फॉर्म में फार्मूला लिखना होता है। पहले देखते हैं गिवन क्या है, एक तो गिवन है फिनॉल फॉर्म्स डाइमर, फिनॉल डाइमर बनाता है, एक बात ये थी हुई है, डाइमर बनाता है तो n की वैल्यू 2 हो गई, अगर ट्राइमर बनाता n की वैल्यू 3 हो जाती, मतलब जितना वो जितने फॉर्म में एसोसिएट होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n, सो n इक्वल टू 2। अच्छा अब देखिए फिनॉल की ये जो वैल्यू है कितनी स्मार्टली दी हुई है, ओ हो 20 × 10⁻³ kg, और हमको यहाँ पर वैल्यू रखनी होती है ग्राम में। तो देखिए फिनॉल की वैल्यू इतने केजी है, तो केजी को ग्राम में करेंगे तो 10³ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 ग्राम हो जाएगा, अरे 1000 मल्टीप्लाई करोगे ये ख़त्म हो जाएगा, 20 बचेगा। अच्छा 1 kg ऑफ बेंजीन, बेंजीन है सॉल्वेंट,
ये 1 kg है, ठीक है। और देखिए ये आपको डेल्टा टी एफ 0.69 केल्विन है ना, और जो के एफ है बेंजीन का 5.12 है। तो हमको इसमें निकालना है अल्फा। तो देखिए पहले जब डाइमर बना रहा है तो उसके लिए ज़रा एक फॉर्मूला खोल लेते हैं। आई इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1 - अल्फा प्लस अल्फा, और एन की वैल्यू है 2। अब ये माइनस अल्फा और प्लस अल्फा बाई 2 सॉल्व हो के माइनस अल्फा बाई 2 आएगा। तो एक चीज़ हमने यहाँ निकाल ली, आई की वैल्यू क्या आ गई 1 - अल्फा बाई 2। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम सारी वैल्यू को निकाल चुके हैं, फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिएगा कि डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ इंटू मोलैलिटी होता है, ठीक है। इसको आप W1 W2 भी लिख सकते हो। मैं स्मॉल W कैपिटल W लिखता हूँ। ये सॉल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का है, ये पूरा टर्म मोलैरिटी है। अब देखिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 0.69, आई निकालना है, के एफ गिवेन है, W हो गया 20 मोलर मास। तो फिनॉल का मोलर मास भी भाई निकाल लेते हैं, C6H5OH। देखिए 6 × 12 तो 72 ये हो गया, और 5 × 1 = 6 हो गया, और ये 16 हो गया, 94 वैल्यू आ गया इसके 94। तो मोलर मास 94, और ये सॉल्वेंट को रखा जाता है केजी में, द वैल्यू इज़ गिवन 1 kg। तो ये बहुत थैंक यू हो गया हमारा। अब आई इक्वल टू आया 0.63। अब आई की वैल्यू जब हमारी निकल गई तो अब हम आ गए इक्वेशन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आई इक्वल टू, देखो वाई इक्वल टू 1 - अल्फा बाई 2 है, आई रख दिया, अल्फा बाई 2 इधर आ गया, 1 - 0.37 आ गया, अल्फा इक्वल टू 0.74 आ गया। एक आंसर हम इसको लिख सकते हैं और एक आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू देखिए अल्फ़ा की है और हमको परसेंटेज अल्फ़ा निकालना चाहिए। परसेंटेज अल्फ़ा होगा, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज अल्फ़ा 74%, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 74% फ्रैक्शन उसका डाइमराइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी टफ है, ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और कंपटीशन लेवल के लिए भी अच्छे हैं, और कभी कभी बोर्ड लेवल में एक आध क्वेश्चन जब काफ़ी टफ आता है तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो एक साथ आपको दो जगह फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी टफ है।
स्टोरेज बैटरी वही लेड स्टोरेज बैटरी। अरे भाई, जो आपके घर में इन्वर्टर है वहाँ जो बड़ा सा बैटरा लगा होता है, बैटरी लगी होती है, वही है ये स्टोरेज बैटरी। इसमें क्या होता है, कंटेन्स सल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 38% बाई वेट, ये इसका कंसंट्रेशन गिवन है। एट दिस कंसंट्रेशन वेंट ऑफ फैक्टर इज 2.5। एट व्हाट टेम्परेचर विल द बैटरी कंटेंट्स फ्रीज। बैटरी के अंदर जो भी सल्यूशन है, जो बैटरी कंटेंट बोल रहे हैं, किस टेम्परेचर पर वो फ्रीज होगा, तो यानी ये पूछ रहा है आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन। चलिए पहले देखते हैं क्या क्या गिवेन है। तो देखिए, H2SO4 है 38% बाय वेट। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ H2SO4 38 ग्राम है, जो सल्यूशन है 100 ग्राम है, और जो वाटर है उसके अंदर 100 माइनस 38 62 ग्राम है। ये सॉल्यूट हो गया H2SO4, H2O हो गया सॉल्वेंट। तो ये स्टोरेज बैटरी में दिया है और वेंट ऑफ फैक्टर भी दिया है 2.5, और कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल, तो मतलब हमको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, पहले हमको निकालना पड़ेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा। चलिए करते हैं। आई की वैल्यू डायरेक्टली हमको गिवेन है, जब फॉर्मूला लगाएंगे हम डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू ग्राम में मास अपॉन मोलर मास, ये सॉल्यूट का है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये जो वैल्यू हम निकालेंगे ये किस में निकालेंगे, ठीक है, ये हम निकालेंगे केजी में। चलिए भाई वैल्यू पुट करते हैं। आई की वैल्यू है 2.5, के एफ सॉल्वेंट का होता है गिवन है 1.86, डब्लू ग्राम में मास सल्फ्यूरिक एसिड का ये है 38, मोलर मास H2SO4 का 98। देखो ये है H2SO4, इसका मोलर मास होगा 98 अपॉन वेट इन केजी। तो केजी में जब हम रखेंगे इसका, तो ये हमको सॉल्वेंट दिया है 62, तो 62 अपॉन 1000। सारी वैल्यू ध्यान से देखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे डेल्टा टी एफ की वैल्यू 29.08, ये लिख लेता हूँ, इसलिए जब सॉल्व करूँगा तो टाइम ना बर्बाद हो, 29.08। और अब हमको करना है जो फाइनल आंसर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ वाटर हेयर इन दिस क्वेश्चन एंड माइनस डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ वैल्यू विल बी 273, 29.08, 243.92। तो हर बार की तरह आंसर हमको देना चाहिए 243.9392 केल्विन, ये हमारा आंसर हो गया। इस टेम्परेचर पर बैटरी का कंटेंट फ्रीज होगा। क्वेश्चन अच्छा इसलिए है
कि सीधे सीधे नहीं आपसे पूछ लिया, उसने सीधे नहीं पूछा कि कैसा, किसकी वैल्यू कैसी होगी, सीधे उसने आपसे घुमा फिरा के पूछा कि किस टेम्परेचर पर बैटरी कंटेंट फ्रीज होगी। और यहाँ पर आके बच्चों को क्या लगता है यार इसमें निकालें क्या, तो हमको बस यही समझना है, हमको इस बात को समझना है कि जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हैं उनको मेमोराइज़ करिए कि इनमें क्या निकालना होता है। ठीक है, देखिए तीनों मैंने कितने शानदार क्वेश्चन बताए। और देखिए अगर आप ISC बोर्ड में हो तो आपको पता है कि बोर्ड में क्वेश्चन बाहर से ही आते हैं, ISC बोर्ड की कोई प्रिस्क्राइब बुक नहीं है जो बोर्ड ने लिखी हो। लेकिन CBSE बोर्ड वालों के लिए एक बुक है NCERT, मगर NCERT से बाहर के क्वेश्चन भी आते हैं, सो ऑलवेज बी केयरफुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन आपको और दिख रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन एक डेरिवेशन है, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको डेरिवेशन वेंट ऑफ फैक्टर के लिए करना है, और वो भी तब जब डिसोसिएशन हो। तो जैसे मान लीजिए फॉर डिसोसिएशन हमने ऐसे लिखा, ये डिसोसिएशन हुआ, कोई सॉल्यूट है ए और ये एन बी में टूट जाता है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल है और बी है इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो जिसमें वो टूटता है, तो ए एन बी में टूटता है, तो मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। शुरू में इसका मोल मान लिया 1 है तो ये 0 होगा, कुछ देर के बाद इसमें कुछ कम होगा तो मान लिया अल्फ़ा कम होगा, अगर यहाँ अल्फ़ा कम होगा तो यहाँ नंबर ऑफ मोल n है तो यहाँ n अल्फ़ा बनेगा। देखिए जब 1 a जाएगा तो क्या होगा, n b बनेगा, तो वैसे जब 1 अल्फ़ा जाएगा तो n अल्फ़ा बनेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए हमको i की जो फार्मूला होता है, आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर आफ्टर लगेगा इसमें ना, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। अब देखिए आफ्टर डिसोसिएशन ये वाली लाइन है तो ये प्लस ये टोटल मोल लेने होते हैं, ये होगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई मोल्स बिफोर, तो 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, आई इक्वल टू क्या आया, सॉरी 1 प्लस 0 दिया है ना, नीचे देखिए 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, यहाँ ऊपर 1 प्लस अल्फ़ा, तो ये आएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, ये हमारा डेराइव्ड। तो डेरिवेशन छोटा सा आ सकता है ये 2 मार्क्स में, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज़ द क्वेश्चन गिवन इन NCERT बुक, ऑल दो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, दीज आर नॉट इन NCERT बुक्स। तो जब आपका कभी कोई टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, तो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं NCERT से भी और NCERT के बाहर से भी। अब हम आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे सॉल्युबिलिटी ऑफ H2O गैस इन वाटर एट STP, देखिए इसमें है H2S इन वाटर,
H2 एज ए सॉल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट, यानी ये बात हो रही है गैस इन लिक्विड, और वैसे भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो मतलब हेनरी लॉ आपको लगाना है। H2 एज इन वाटर इज गिवन, और एक टर्म दिया हुआ है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर इज 273 केल्विन, प्रेशर इज 180। तो STP से हमें दो वैल्यू मिल गई। अच्छा, सॉल्युबिलिटी जो ये दिया है वो 0.195 m है। सॉल्युबिलिटी हो या कंसंट्रेशन हो, दोनों एक ही बात होती हैं, दोनों के डिफरेंट टाइप के यूनिट्स होते हैं। यहाँ पर हमको वो दिया हुआ है स्मॉल m, मतलब मोलैलिटी गिवेन है। अब आप देखिए, अगर इतने m हैं, m का मतलब होता है मोल पर kg, इतने मोल्स ऑफ H2S पर kg वाटर। देखिए ये मैंने लिखा मोल्स पर kg होता है, मोल्स किसके होते हैं सॉल्यूट के, kg किसके होते हैं सॉल्वेंट के। इससे क्या हुआ कि जो मोल H2S के हैं वो हमको डायरेक्ट मिल गए। अच्छा, जो वाटर है वो है 1 kg, देखो ना 1 kg पर kg, ये वैल्यू 0.195 है। 0.195 का मतलब है 0.195 मोल्स पर kg। तो मोल किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे। सॉल्यूट क्या है, H2S है, H2S के इतने मोल हो गए, पर kg वाटर हो गया, वाटर का 1 kg हो गया, मतलब 1000 ग्राम हो गया। N2 इसके मोल निकाले 1000/18, तो ये आएगा 55.55। N1 मिल गया, N2 मिल गया। अच्छा, अब फार्मूला हमारा होगा P=KH×X। अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमको देखो प्रेशर हमको निकालना क्या है, KH निकालना बार में। तो उसके लिए देखो एक प्रेशर है, KH है, दो टर्म है, और ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, उसको याद रखना कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ सिंपली मोल अपॉन मोल। तो मोल अपॉन मोल है तो कोई यूनिट नहीं होता। तो प्रेशर और KH की यूनिट सिमिलर होनी चाहिए। तो प्रेशर अगर हमको KH चाहिए बार में, तो प्रेशर को भी बार में कन्वर्ट करेंगे, एक ATM में 1.01325 बार होती। कठिन क्वेश्चन है, जितने मैं बताऊंगा सब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तब P हमको मालूम चल गया, ये P हो गया। X हमको निकालना है, तो X हमको निकालना है H2S का, तो वो होगा N1/N1+N2 विच इज़ नियरली इक्वल टू N1/N2, क्योंकि यहाँ पर N1 काफ़ी छोटा होता है N2 से, तो वो नेगलेक्ट हो जाता है। N1/N2 हो गया है ना। अब देखो ये वैल्यू N1 इज़ डायरेक्टली गिवन 0.195, और ये है 55.55। इसको जोड़ के भी करते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपनी कैलकुलेशन इजी कर लो, तो ये 0.0035 आएगा। ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को ले लें, क्वेश्चन नंबर 1 को ले लें। देखिए फॉर्मूला ज़रूर लिखिए, कभी क्वेश्चन गलत हो कुछ तो मिल जाए। जैसे कहावत है भागते भूत की लंगोटी भली। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में रखा, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए पी की जो वैल्यू है, प्रेशर की जो वैल्यू है, वो अभी ऊपर मिट गया 1.01325 बार, KH हो गया, और N2 35 हो गया। KH इक्वल टू 0. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 289.5 बार आएगा।
मतलब के एच इक्वल टू इतने बार आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये हमने के एच की वैल्यू भी निकाली। अब एक क्वेश्चन और आएगा, चलिए अब आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म और मिथाइलिन क्लोराइड, इनके गिवेन है 200 mmHg। पहले इस तरह के क्वेश्चन में एक चार्ट बना लो। ये राउल्ट लॉ फर्स्ट केस का क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म है, CH2Cl2 है, इनके देखिए 200 415 mm है, तो ये P0 हो गए। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ये 25.5 ग्राम है और ये 40 ग्राम है, और मोलर मास क्लोरोफॉर्म का 119.5, और दूसरी वैल्यू 85। आप चेक भी कर लेना, इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू चेक कैलकुलेशन वर्क, वो आप चेक कर लेना, कभी गलती हो जाती है। ठीक है ना, ये मोलर मास हमारे हो गए। तो ये क्वेश्चन राउल्ट लॉ के सेकंड केस का है, और हमको पहले में निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पी टोटल निकालना है हमको। पी टोटल निकालना है, और जो फॉर्मूला हमारा है पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमने पहले वाले को ए मान लिया और दूसरे वाले को बी मान लिया। पी टोटल इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी, और पी ए होता है पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, और एक्स ए और एक्स बी मोल होते हैं। तो पहले हमें एन ए निकालना है, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, ग्राम में मास अपॉन मोलर मास, 25.5 119.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.21 ये आएगा 0.21, एन बी मोल दूसरे के इतने आएंगे। देखो इसको फ्रैक्शनल वैल्यू लेके मत सॉल्व कर लो, इसको जो भी वैल्यू सॉल्व होके आ जाए उसको ले लो, है ना। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में मत लेना। ये 0.47 आ गया, ये देखिए दो वैल्यू हमारी एन ए एन बी हो गई। अब जब एन ए एन बी हो गई, एक्स ए निकाल ले। अब एक्स ए होता है मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। अब देखिए एन ए की वैल्यू है 0.21, कैलकुलेशन है बस, इसीलिए ये कठिन है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इसमें डेटा बिखर जाते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हो, पता नहीं ये क्या आएगा। तो हमने ये वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया, 0.31 आ गया, आ गया 0.31 एक्स ए, और एक्स बी क्या होगा। तो देखो एक का मोल फ्रैक्शन निकल आए तो दूसरे के लिए फॉर्मूला मत लगाओ, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ये आ गया 0.69, और ये हमारा पी टोटल है फ्रॉम इक्वेशन वन। कभी भी कोई क्वेश्चन है पेपर में जब करो, अब देखो इसमें मैंने उसी में गुचुर पुचुर नहीं किया क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन थी, तो इसलिए मैंने अलग अलग वैल्यू निकाली, फिर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा। अब आप देखिएगा कि जो पी टोटल है, पी टी लिख दिया हमने, पी नॉट ए
जो पहली वैल्यू है ये पी नॉट ए हो गया 200 इंटू 0.31 प्लस दूसरा हो गया 415, तो 415 इंटू 0.69, और जब हमने इसको सॉल्व किया 348.35 ये पी टी आया MMHG। इसको ऐसे घेर दो और ऐसे आंसर 348.35 MMHg। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में हमको कॉन्सेप्ट लगाना है डाल्टन लॉ का, क्योंकि इसको पूछ रहा है वो वेपर फेज में, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म है ये हमारा पी ए, दिस इज अवर पी ए। चलिए पी ए को लिख लेते हैं, ये लिख लिया, ये वाई ए हो गया, और इंटू जो पी टोटल है 348.35। जब सॉल्व करोगे तो वाई ए की वैल्यू आएगी 0.18। ये हमारा अगला आंसर हुआ। और जब वाई भी निकालना हो, मोल फ्रैक्शन एक का निकल आए तो दूसरे का निकालने में सिर्फ माइनस कर दो, ये आएगा 82। ये वाई भी हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। कॉपी पे सब लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।